हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऑडल और आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज होने वाला है ज्वेलरी हॉल, ज्वेलरी ट्राई ऑन हॉल आप बोल सकते हो, क्योंकि इसको मैं ट्राई करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि वो मुझ में कैसा लग रहा है और इमेजिन कर सकते हो कि वो आप पर भी कैसा लगेगा। ये सारे ज्वेलरीज गोल्ड प्लेटेड है, आप इसको साउथ इंडियन ज्वेलरी बोल सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर टू साउथ इंडियन ज्वेलरीज वैसे ही दिखते हैं। जो भी ज्वेलरी मैंने मीशो से बाय किए हैं वो सारे चौकर फॉर्म में हैं। तो चलो देखते हैं कि मीशो में जैसे फोटो शो हुए हैं वैसे ही मुझे सिमिलर प्रोडक्ट मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, है ऐसा बॉक्स बना हुआ है, पैकेजिंग तो सही है इसकी। देन मुझे ये रिसीव हुआ है, इसके आप देख सकते हो मैंने इयररिंग ऑलरेडी पहन रखे हैं, क्योंकि ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे सिंपल स्टडी टाइप के इयररिंग्स और ज्वेलरी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे वेयर कर लिया पहले ही। तो और इसका नेक पीस, तो जो इसका नेक पीस है ना वो कुछ ऐसा है, पीछे ऐसे आपको लूज और टाइट करने के लिए आपको ये ऐसा मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। देन इसमें आप देखोगे ना ये ऐसे पिंक कलर के स्टोन्स बने हैं, इसमें ऐसे तीन तीन करके पिंक कलर के स्टोन्स बने हैं। और ये बहुत लाइट वेट है, आपको कुछ हैवी वगैरह नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये जो सेट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप देख रहे होगा कि मैंने इयररिंग ऑलरेडी डाल रखे हैं इसके। यहाँ से आप ऐसे लूज कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए, बट ये चोकर फॉर्म में है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको चोकर फॉर्म में ही पहनो, और ये नेक के हिसाब से आप अपने इसको लूज कर सकते हो या फिर इसको टाइट कर सकते हो। तो चलो मैं पहन के दिखाती हूँ कि ये ज्वेलरी मुझे कैसा लगता है। देन सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा ये वाइट कलर के बॉक्स में आया है, आप देख सकते हो ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स नहीं है। बहुत सारे उसमें सेलर्स हैं जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि ऐसे बॉक्स देते हैं कार्डबोर्ड के। देन ये कुछ ऐसे आया है, ये है। सो यस, ये कुछ ऐसी ज्वेलरी है, ये आपके पूरे नेक में ऐसे आएगा, चोकर बन जाएगा ये आपके नेक में आके। ये ग्रीन कलर के स्टोन्स में है, ये देखो ऐसे ग्रीन कलर के स्टोन्स में है, और पीछे वैसे ही जैसे मैंने बताया था फर्स्ट में, इसमें सारे ज्वेलरी में ऐसे ही आपको वो मिलेगा टाइट और लूज करने को। तो ये इसका नेक पीस हो गया। देन बात करते हैं हम इसके इयररिंग्स की, तो इसके इयररिंग्स ना झुमकी है, इसके इयररिंग्स बहुत छोटे झुमकी हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये ना पहनने के बाद भी ना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको पहन के भी दिखाती हूँ आपको, तो चलो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ ये मुझमें कैसा लगता है। देन थर्ड इज दिस ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी है ना ये काफ़ी बड़े बॉक्स में आया है, आप देख सकते हो जो पहले के बॉक्सेस थे वो छोटे छोटे थे, बट तो इसमें देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसे रिसीव हुआ है, ये है वो ज्वेलरी, आप इसमें देखोगे ना तो ऐसे लोटस बने हुए हैं, बट मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे टॉप्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं। और ये भी आपको ना ऐसा चोकर में आता है, दिखने में ये बहुत अच्छा है, इसमें ऐसे पिंक कलर के स्टोन्स हैं, इसमें भी पिंक कलर के स्टोन्स हैं, बट मुझे एक दिक्कत आई इसमें, और इसमें ना ये काफ़ी उलझ रहे हैं, जैसे कि ये देखो ऐसे ना सीक्वेंस में ऐसे हैं, बट आप इसको जब खोलोगे ना तो ये काफ़ी उलझ जाएंगे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको तो रिटर्न करने वाली, इसको नहीं रखूँगी मैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप शादी वगैरह में जा रहे हो और आपको कुछ अलग सा ऐसा लुक चाहिए, या फिर आपको गोल्ड ज्वेलरी अपने आउटफिट के साथ चाहिए और आपके पास है नहीं कोई गोल्ड ज्वेलरी, तो आप उस टाइम के लिए ऐसे ज्वेलरीज ले सकते हो, और ये काफ़ी आपके आउटफिट में चार चांद लगा देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप एक बार ट्राई करना। तो ये था वो, तो चलो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है।
देन हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया है और अंदर कुछ है नहीं, बस ये ऐसे बबल रैप है। बबल रैप को खोल के हमको अपना ज्वेलरी मिला है, वो भी ऐसे इतने छोटे से पैकेजिंग। यार बाकी सब में प्रोडक्ट क्वालिटी सब बहुत अच्छी है, मुझे सब अच्छा लगा, बट ये जो पैकेजिंग है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो हो गया, अब देखते हैं जो आ गया सो आ गया। तो अब प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे है। सो ये है वो प्रोडक्ट। वाओ, ये ना मतलब काफी प्यारा लग रहा है ये ज्वेलरी। ये जो नेकलेस है ना वो काफी प्यारा लग रहा है। आप देखो ना, कुछ वो वैसे होते थे ना जैसे पुराने जमाने की रानियां पहनती थी, वैसे कुछ वाइब आ रहा है इसमें। ये देखो, और वैसे जैसे पहले ज्वेलरी में आपको लूज टाइट करने को मिला था, वैसे यहाँ पर भी आपको लूज और टाइट करने को ये मिलेगा। आपके नेक के अकॉर्डिंग आप इसको लूज भी कर सकते हो। ये देखो, लूज कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और टाइट कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको लूज और टाइट कर सकते हो। ये काफी अच्छा लगा। इसमें जो ऐसा डिटेलिंग वगैरह दी है ना, ये इसमें जितने भी है ना ये पर्ल है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी डिटेलिंग दी हुई है इसमें। और अब बात करते हैं इसके इयररिंग्स की। जैसे इसका जो नेकलेस था ना वैसे इसके इयररिंग्स हैं, एज यू कैन सी इयररिंग भी सेम है, बस यहाँ पर आपको ना कुंदन मिला है वाइट कलर का और नीचे ऐसे स्टोन्स लगे हैं और ऐसे ना जैसे झुमके होते हैं ना वैसे कुछ इसमें लगे हैं। इसमें भी ये सब जो है ना सब ना ऐसे बीड्स हैं, आप देख सकते हो। ये तीन लेयर है, एक दो तीन। तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। देन बारी आती है हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो वो भी ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स में दिया गया है और ये है वो ज्वेलरी। ये ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी भी लाइक जैसे मैंने पहले दिखाया था ना एक ग्रीन कलर का ज्वेलरी, वैसे कुछ कुछ सिमिलर है ये ना। ऐसे ऐसे ज्वेलरी से ना पूरा वो क्वीन वाली वाइब देते हैं। देखो कितना ही प्यारा लग रहा है ये, और पहनने पे भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो कितना ही अच्छा लग रहा है। इसके जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इसमें ऐसे अब डिटेलिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा है। और बात करते हैं इसकी इयररिंग्स की। तो इसकी जो इयररिंग है ना वो ऐसे ऐसे दी हुई है इसकी इयररिंग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी इयररिंग। ऐसे ज्वेलरी के साथ ना आपको एकदम हैप्पी इयररिंग नहीं जाती, इसमें सूट नहीं करती। तो उसके हिसाब से ना मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आई एम श्योर कि पहनने पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो वो ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स में आया है और इसमें देखते हैं ये कैसा है। इसमें कुछ ऐसे बबल रैप दिए हुए हैं, अब देखते हैं कैसा है। काफी हैवी लुक दे रहा है ये। इसमें ना कुछ बीड्स लगे हुए हैं इस साइड में और बीच में एक बड़ा सा कुछ ऐसा गोल्ड प्लेटेड कुछ है, नहीं पता, स्क्वायर शेप में। ये देखो, और ऐसे ना किनारे किनारे इसमें ऐसे आपको वो दिए हैं पिंक कलर के स्टोन्स दिए हैं, एंड बीच में ना बड़ा सा आपको ग्रीन कलर का स्टोन है और नीचे ऐसे लटकन है। ऐसे ज्वेलरीज ना शादी वगैरह में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं आपके आउटफिट को और एनहेंस करने के लिए। तो ये मुझे इसके सबसे अच्छा लगा। एंड बात करते हैं इसके इयररिंग्स की। तो जैसे इसके बीच में ऐसा कुछ स्क्वायर शेप में था ना वैसे ही इसके इयररिंग्स हैं और वैसे ही नीचे एक लटकन दिया हुआ है। तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। वो भी कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया है, प्लास्टिक के पैकेजिंग में, और उसके अंदर जब हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बबल रैप और प्रोडक्ट है। मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसे कोई कोई सेलर होते हैं ना जो अपना
काम चलाओ निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है ले लो हमारा प्रोडक्ट, कम से कम पैकेजिंग तो अच्छे से करो। एनीवे तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है ऐसा जैसा दिख रहा है आपको। सबसे पहले हम नेक पीस देखेंगे। नेक पीस की बात करूँ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है नेक पीस। ऐसे ये देखो आपको इतना बड़ा सा वो मिलेगा, ऐसे बीच में लटकन जैसा कुछ है और किनारे किनारे इसके ऐसे वर्क हैं, पिंक कलर के हैं, आपको थोड़ा सा ऐसे रेड कलर का शो हो रहा है बट ये एक्चुअल में पिंक है। और बीच में ना यहाँ लटकन में आप देख रहे होगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का है, और ये देखो ऐसे छोटे 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 लटकन है इसमें, और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिलेगा डिज़ाइन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये। बाकी सबकी जैसे यहाँ पर भी आप लूज और टाइट कर सकते हो। और बात करते हैं इसके इयररिंग्स की, तो इसके इयररिंग्स कुछ ऐसे हैं, इसमें ऐसे जो फ्लावर बने हैं और ऐसा शो हो रहा है जैसे जो पेटल्स हैं वो पिंक कलर के हैं, और बीच में जो ये है वो ऐसा ग्रीन कलर का स्टोन है, और एक छोटा सा नीचे ऐसा लटकन है। तो चलो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। देन लास्ट हमारा ये प्रोडक्ट है, बाकी जैसे प्लास्टिक में आते हैं वैसे ही आया है, और इसके अंदर ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं। तो कार्डबोर्ड का बॉक्स कुछ ऐसा है, इतना बड़ा है, और इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ ऐसे पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बबल रैप अच्छे से करके दिया है उन्होंने। और ये है वो प्रोडक्ट, ये काफ़ी हैवी है, सीरियसली ये बहुत ही हैवी है। और इसका पहले हम नेक पीस देखेंगे, तो नेक पीस इसका कुछ ऐसा है, देख रहे हो कि इसका नेक पीस कुछ ऐसा है, और जैसे बाकी सब में था लूज और टाइट करने के लिए वैसे ही यहाँ पर ऐसा कुछ है। और इसमें भी आप देखोगे ना जो स्टोन्स हैं वो पिंक एंड ग्रीन कलर के ही हैं, और पूरा इसमें ऐसे गोल्ड एंड प्लेटेड कुछ है इसमें वर्क। और इसमें ना आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपको ऐसे फ्लावर बने मिलेंगे, और नीचे ऐसे कुछ डिज़ाइन हैं, और ऊपर में भी ऐसे डिज़ाइंस हैं, इसमें सब में ऐसे हैं। और ये काफ़ी हैवी लगा मुझे पहनने पे भी और पकड़ने पे भी, आपको लग रहा है ना कि हाँ हैवी है ये। देन बात करते हैं इसके इयररिंग्स की। इसके इयररिंग्स के लिए अलग से ऐसे प्लास्टिक के पाउच में आया है। इसके ना इयररिंग्स भी देखो, ये भी काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी बड़े हैं, ये देखो काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़े हैं, और इसमें भी ऐसे फ्लावर बने हैं, और यहाँ पर कुछ लटकन जैसे कुछ हैं, सेम एज नेक पीस। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सो ये था मेरा मीशो हॉल, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इसमें शो किए हैं वो सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।